नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षण SCERT बिहार के द्वारा एक ऑनलाइन कोर्स संचालित किया जा रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब आज से यानी 27 जनवरी 2020 से एनरोलमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। तो जितने भी लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, यानी जिन लोगों ने यूज़र ID और पासवर्ड प्राप्त कर लिया है, उन लोगों के सामने अब एक चुनौती है कि वो किस तरह से इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करें, इनरोल करें। तो बिल्कुल शुरुआत से हम लोग शुरू कर रहे हैं, लॉगिन करेंगे जैसा कि हर बार करना होता है। लॉगिन में जो भी आपका यूज़र ID है वो आप अपना यूज़र ID टाइप करेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड देंगे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। पासवर्ड दे देने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जो ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कोर्स का नाम आ जाएगा। ये कोर्स का नाम आप देख रहे होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये फिर नीचे की तरफ आप आइए, इंटीग्रेशन ऑफ ICT एंड टीचिंग एंड इन टीचिंग एंड लर्निंग पर क्लिक करने के बाद इस तरह का जो पेज खुलता है, नीचे की तरफ जब आएंगे तो इनरोल मी का ऑप्शन है। इनरोल मी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका लिखाएगा एक मैसेज, न्यू मैसेजिंग इंटरफेस आता है, जिसमें लिखाता है कि आप इस कोर्स को कैसे करेंगे। इसमें नेक्स्ट कर करके आपको सीखना है। हम फिलहाल इनटोर कर दिए हैं। ये देखिए, आपका जो है कोर्स में इनरोलमेंट हो चुका है और अब आपको प्रशिक्षण पूर्व सर्वे करना है। प्रशिक्षण पूर्व सर्वे के सामने जो एक चेक बॉक्स है, ये अभी खाली है। जब आप प्रशिक्षण पूर्व सर्वे कर लेंगे तो ये चेक बॉक्स भर जाएगा। इसी तरह से सप्ताह एक की गतिविधियां कब पूरी करनी है, सबका एक सिस्टम दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि किस वीक में क्या पढ़ना है और कौन से असाइनमेंट सबमिट करने हैं। असाइनमेंट सबमिट करने से संबंधित तिथियाँ भी दी गई है कि कब से कब तक असाइनमेंट जमा किए जाएंगे। तो प्रशिक्षण पूर्व सर्वे पर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है एक ऑप्शन, अटेम्प्ट क्विज। अटेम्प्ट क्विज नाउ पर क्लिक करके आप इसमें दिए गए प्रश्नों पर अपने उत्तर इस चारों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में टिक करना है। या कुछ ऐसे प्रश्न भी है जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन में टिक करना होगा, यानी सेलेक्ट वन और मोर यहाँ लिखा हुआ है। आप एक या एक से अधिक को क्लिक कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे। नेक्स्ट करते करते आपके पास कुल 9 प्रश्न आएंगे और फाइनल जब सबमिट करोगे तो यहाँ क्विज नेविगेशन में आपका 9 जो है ये बॉक्स या तो ग्रीन होगा या तो रेड होगा। अगर 9 प्रश्न आपके सही हैं तो 9 बॉक्स ग्रीन हो जाएंगे और जो प्रश्न गलत होगा आपके द्वारा वो रेड हो जाएगा। तो इसमें आपको कुल 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। पता नहीं अब इस नए सेशन में कितने अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, बट आप एक ही बार में इस सर्वे को पूरे अच्छे तरीके से कर लेंगे और तदुपरांत आप असाइनमेंट एक की तरफ रुख करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को समझने के लिए एक बार फिर से रिप्ले करके आप देख लीजिए, और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न फिर भी बाकी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।